नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, जिनके कंधों पर आने वाले कल की जिम्मेदारी है, इस बारे में सोचकर कई बार मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इतने टफ कंपटीशन में ये बच्चे खुद को कैसे साबित कर पाएंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देख कर और सुनकर आपको ये लगेगा कि हमारे देश का आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। क्या आपने कैलकुलेटर से भी तेज छोटे छोटे बच्चों को मैथ्स की गुना भाग करते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं और जिनके मैथ्स को देखकर आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। 7, 1, 6. जी हाँ, अपने स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में आप उन बच्चों को देख रहे हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये बच्चे इशारों में ही अपनी उंगलियों के जरिए बड़ी ही आसानी और तेजी से गुना भाग कर रहे हैं और बच्चे इसको खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, आपको मजा आता है बैकस करने में? हाँ। कितना टाइम आप देते हो बैकस के लिए? वैसे तो फिर फिक्स होता। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप बता दोगे ना? तो हाँ। 16 इज इक्वल टू 32। क्या? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। 4 माइनस 3 1 130 एंड प्लस 50 दरअसल नॉर्थ दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में गणित की प्रतियोगिता थी जिसमें ऐसे ही सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। देश के कई राज्यों से आए इन बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच है, लेकिन इनका दिमाग देखकर कोई भी दंग रह जाए। इस प्रतियोगिता के आयोजकों की माने तो उनके मुताबिक ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें बच्चे के ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक साथ सक्रिय किया जाता है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। स्किल्स मैटर को लोटस वेदा के बैनर के अंडर हमने स्टार्ट किया है। अभी हमने इसको दिल्ली से स्टार्ट किया था, पर अब अभी हम इसको पूरे इंडिया में 8 स्टेट्स में ले आए हैं और नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट है कि हम इसको ग्लोबली लेके जाएं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया मेक इन इंडिया का, तो वैसे हम इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में। हमारे यहाँ क्लास 1 का बच्चा 8 मिनट में 200 सम करता है क्वेश्चन उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के। सुबह जो हुआ वो हमारा कंपटीशन, वो वहाँ पे बच्चों ने फुल शीट्स खत्म करी टाइम से पहले, 8 मिनट से पहले उन्होंने शीट्स खत्म कर दी। तो बच्चे इतनी फास्ट करते हैं कि कैलकुलेटर भी फेल कर देते हैं। गणित के सवालों पर अपने हाथों को उंगलियों को हिलाते इन बच्चों को देखकर आपको हैरानी हो सकती है और हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब ये बच्चे गुणा और भाग के लंबे सवालों का जवाब तुरंत दे देते हैं। 51. इस प्रतियोगिता के आयोजकों के मुताबिक इस तकनीक को अबेकस कहा जाता है जिसमें राइट ब्रेन का विकास होता है। एक तरीके का खेल है जिसमें बच्चों को मजा भी आता है और स्कूल की पढ़ाई आसान हो जाती है।
आयोजक लोटस वीप द्वारा स्कल स्मार्टर के सहयोग से हुए इस प्रतियोगिता में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान सहित कई राज्यों के बच्चे शामिल हुए थे। आपको बता दें कि अभी यह पेगस तकनीक ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द ये देश विदेश में चर्चा का विषय बनने वाला है। हो भी क्यों ना, जब बच्चे इतनी आसानी से एंजॉय करते हुए इतने सवालों के जवाब देते जा रहे हैं। 1009. तो देखा आपने कि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं और कार्टून देखते हैं, तो वही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे आसानी से सवालों के जवाब देकर सबको हैरान कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।